राजधानी पटना में भारत सरकार के योजना स्वच्छ अभियान के तहत सड़कों की सफाई भी की जा रही है। बता दें आपको कि पटना नगर निगम की ओर से पूरे शहर की सफाई का जिम्मा दिया गया है, जिसको लेकर पटना के अशोक राजपथ पे यह अभियान चलाया गया। बता दें आपको कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारें यहाँ काफी सतर्क नजर आ रही है। ये स्वच्छता अभियान निकल रहा है, स्वच्छता अभियान मतलब सफाई, सर सफाई हो रहा है कि नहीं, कंसर्ट साहब देख रहा है। इधर मुजफ्फरपुर में किसान नेता राकेश टिकैत पर भी कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। बता दें आपको कि व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ने राजस्थान के धौसा में आयोजित किसान महापंचायत में धमकी दी थी कि अगर भारत सरकार किसान बिल को वापस नहीं लेती है तो ये लोग राजस्थान से होकर जाने वाली 16 राज्यों की बिजली को काट देंगे और इससे कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो सकता है। तो बता दें आपको कि राकेश टिकैत पर भी मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर की गई है और लगातार जिस तरीके से राकेश टिकैत बयान देते रहे हैं, और वहीं अगर बात करें तो राजस्थान के धौंस में उन्होंने एक महापंचायत को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर महापंचायत के दौरान कहते हुए कहा था कि सरकार अगर किसान बिल को वापस नहीं लेती है तो राजस्थान से जाने वाली 16 राज्यों के लिए जो लाइनें हैं उसे वो काट देंगे।